पतलू, ये देखो म्युनिसिपैलिटी वाले की लापरवाही। ये बिल्कुल काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। मैन होल कैसे खुला हुआ है देखो, अगर इसमें कोई गिर गया तो। हाँ यार, ये उनकी लापरवाही तो है। हाँ यार, आज सुबह सुबह हमने एक अच्छा काम तो किया। अरे कोई खोलो इसे, ये ढक्कन किसने बंद कर दिया? अरे भाई, क्या कीचड़ में सने हुए घूम रहे हो? जरूर किसी मैन होल में गिर गए होंगे। ये म्युनिसिपैलिटी वाले अपना काम ठीक से करते नहीं और तुम जैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेचारे परेशान होना। ये ठीक है? हाँ, ये सही है। देखो, एक और मैन होल खुला हुआ है। लापरवाही की हद हो गई। रुको, ये मैन होल भी बंद करते हैं, गिर जाएगा। छोड़ेंगे नहीं उनको। ढक्कन बंद कर दिया। हाँ, और कीचड़ में गिरा दिया। चाय वाले भैया, जरा फटाफट गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे देता हूँ देता हूँ मोटू, हाँप क्यों रहे हो? कहाँ से भागे आ रहे हो? हा? अरे चाय वाले भैया, आजकल फुरफुरी नगर का क्या हाल हो रखा है? मोटू मेरे पैर यार, क्या बात है? क्या हो गया यारी? कोई मैन होल खोले बैठा है तो कोई कीचड़ में घूम रहा है, अगर बोले तो मारने को दौड़ता है। कोई गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, कोई बंद ही नहीं करता। ये म्युनिसिपैलिटी वाले ढंग से काम ही नहीं करते। ये देखो, ये जरूर किसी मैन होल में गिर कर आए होंगे। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, गिर गए थे ना? हम कैसे? अभी बताते हैं। ये लो, कहाँ भाग रहे हो? अरे ये क्या? अरे तोड़ दी! मैं भी दुकान तोड़ दी। अरे यहाँ से निकलो, दूर जाके मारा पीटी करो। अरे निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो! बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी दुकान बर्बाद कर दी। अरे जाओ यहाँ से, निकलो। इन्हें ऐसे भागता हुआ देखकर बड़ा मजा आता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। इन्हें ऐसे ही दौड़ाते रहो। देखा बड़े भैया, एक और मैन होल खुला हुआ है। ए म्युनिसिपैलिटी वाले कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। इधर देखो, उधर ही मैन होल खुले पड़े हैं। चलो चिंगम सर से शिकायत करते हैं। ये म्युनिसिपैलिटी वालों ने अपने आप को समझ के रखा है कि वो मैन होल खुला छोड़ देंगे और हम हैं कि ढक्कन लगाते रहेंगे। अरे वो ढक्कन बंद करके पुलिस स्टेशन गए हैं, चिंगम सर से कंप्लेन करने के लिए गए हैं। ये लो, ये ले जाओ, काम आएगा, वहाँ काम आएगा। चिंगम सर, मैं उन म्युनिसिपैलिटी वालों को जेल में डाल दूंगा। हाय, द नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है। बोला तो इम्पॉसिबल है। सर, चार पांच लोग कीचड़ में सने हुए हाथों में हथौड़ा लेकर आ रहे हैं, काय कराइच?
संगम सर, पता नहीं ये कीचड़ से सने हुए लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अरे हमने कोई गलती नहीं की है, हमने तो बस खुले हुए मैन होल्स बंद किए हैं। शायद उन्हें ये लग रहा है कि मैन होल हम ही खोल रहे हैं। डोंट वरी, मैं उन्हें अब भी देखता हूँ। हमेशा मैं ही इसमें फंस जाता हूँ। अरे भाई ये बताओ कि हमें तो मार क्यों रहे हो? क्योंकि तुम मैन होल बंद कर देते हो और हम अंदर काम कर रहे होते हैं। पंजाब में तेरी ऐसे होते डांस करता। ओए, ओए। ऑटो बदलू, बड़ा अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए। सॉरी सॉरी बॉक्सर भैया, हम गलती से आप पर गिर गए। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने कई दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की है और हाथों में खुजली भी हो रही है। तो फिर मैं भी तुम लोगों के चक्कर में उड़ गया। मोटू पतलू, जब भी मिलते हो मेरे लिए मुसीबत ही लेकर आते हो। अब जॉन अपना शैतानी दिमाग चलाएगा और मोटू पतलू को इसी मैन होल में गिराएगा। ये देखो एक और मैन होल फिर खुला हुआ है। पतलू अब इसे बंद करे कि नहीं करे समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आ गए, भागो। इस कीचड़ में लिपटेंगे तब पता चलेगा कैसा लगता है। बहुत बढ़िया किया, कीचड़ में सनेगा तो पता चलेगा कीचड़ में नहाने पर कैसा लगता है। अरे पतलू, ये तो अपने हाथ पुराने जमाने का खजाना लग गया। ये किसी राजा महाराजा का खजाना लगता है, ट्रक में भर कर ले जाना होगा। चलो चिंगम सर को फोन करता हूँ। हेलो चिंगम सर, जल्दी ट्रक लेकर आ जाओ। अरे माँ, मुझे ट्रक ड्राइवर समझाए क्या? ट्रक ड्राइवर, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मैं ट्रक लेके क्यों आओ? अरे चिंगम सर लेके तो आओ, जल्दी आओ। आ गए मोटू पतलू के दोस्त उन्हें बचाने के लिए। अब निकलेंगे कीचड़ से लड़ते पड़ते लड़ते पड़ते। नंबर वन, कैमरा तैयार रखो, उनकी फोटो खींचनी है। मोटू मैं ट्रक लेके तो नहीं पर डॉक्टर जटका और उनकी कार लेके आया हूँ। बताओ क्या हुआ? अरे बताना क्या है, ये लो थोड़ी पवा। इतना सोना चांदी हीरा मोती हम अपना 20 साल का तजुर्बा में कभी नहीं देखा। ये लो हीरा, ये लो मोती, ये लो सोना, ये लो चांदी, ये लो ये लो ये लो। मुटु मेरे पैमरी यार, खजाने से तो मेरी कार भर गई यार। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? उसे कीचड़ में ढकेला था, ये खजाना लेकर निकला। अरे बेवकूफ, मुझे क्यों नहीं धक्का दिया? बॉस बॉस, आपको धक्का देता तो आप कीचड़ में गिर जाती। पर वो लोग तो खजाने पर गिरे ना, मेरे साथी ऐसा क्यों होता है?
चिंगम सर, अरे आपको ट्रक लेके आना था, नीचे और भी खजाना दबा हुआ है। ये तो अरबों करबों रुपए का खजाना है, इसमें समय है, तुम लोगों को 10% का इनाम दिलाऊंगा और उस 10% से तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मुझे मारो, मुझे मारो, मैं इसी लायक हूँ, मुझे मारो। अरे इनकी जगह मैं चला जाता तो खजाना हमें मिल जाता। ये तो बड़ी ही सुनसान जगह लग रही है। सब लोग कहाँ चले गए, कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। अरे कहीं किसी होटल में बैठ के खा पी रहे होंगे, चलो देखते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हेलो, झंडा पकड़ो। लीडर बनते हो, नारेबाजी करते हो, शहर में हंगामा करते हो, तुम जैसे लोगों की वजह से कोई काम नहीं होता है। सर हम लोग शरीफ लोग हैं, हम लोगों का उस मोर्चे से कोई भी लेना देना नहीं है, हम लोग फुरफुरी नगर से आए हैं, आप चाहे तो इंस्पेक्टर चिंगम सर से पूछ लीजिए, वो हमारे दोस्त हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर चिंगम तुम्हारे दोस्त हैं? हमें पहले ही शक था कि किसी पुलिस वाले का हाथ है इनके साथ, कोई तो है जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। हवलदार जाओ, इंस्पेक्टर चिंगम को अरेस्ट करके लाओ। मोटू पतलू मुझे कहाँ फंसा दिया, इंस्पेक्टर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं तो पुरपुरी नगर का हूँ, यहाँ तो काम से आया था। ठीक है इंस्पेक्टर, आपके कहने पर इन्हें छोड़ रहा हूँ, दोबारा मोर्चे के साथ नजर आए तो सबको अंदर बंद कर दूंगा, समझे? हवलदार छोड़ दे इन्हें। थैंक यू भैया, जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जान बची लाखों पाए, ये हम कहां फंस गए थे? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे ये मोर्चा फिर से आ गया। पुलिस, रुको। वो देखो इन्हें, अभी अभी इन्हें जेल से छोड़ा और ये फिर से मोर्चा लेकर निकल रहे हैं, पकड़ो इन्हें। ये लो, ये लो, डंडे के भूत बातों से नहीं समझते। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? इंस्पेक्टर हमारी किस्मत ही खराब थी है, जिधर मुड़े उधर ही मोर्चा गया, हम क्या करें? डॉक्टर झटका घसीटाराम से पूछ लो, ये हमारे खास दोस्त है, खास 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 खास। अच्छा तो गैंग में और भी मेंबर्स हैं। यार ये क्या है, अरे हमें किस लिए फंसा दिया, हमने क्या किया है यारी? उड़ी बाबा, बिना रीजन का लॉकअप में डाल दिया, हमारा पिछले के तजुर्बा में हम पहली बार जेल में आया है, हमको तो पता भी नहीं कि क्या किया है, क्या हुआ है, क्यों जेल में डाल दिया है। अभी पता चल जाएगा, सारे मेहमानों को बारी बारी से अंदर ले जाओ और इनको अच्छे से प्रसाद खिलाओ। इंस्पेक्टर साहब बहुत बहुत भूख लगी है, पहले मुझे ले जाओ। और मुझे भी, चलो जल्दी। बस बस बहुत हुआ, और नहीं, बस बस। उड़ी पापा, भूख तो हमको भी लगा है, जाओ जाओ तुम भी प्रसाद खा लो।
भर के खाना। ए, भाला खिलाना। सिंघम सर, अब आप जाओ और प्रसाद खा लो। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे पता है पुलिस वाले कैसे प्रसाद देते हैं। इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर हूँ तो इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर कदर करो ना, मेरी तो इज्जत करो। ओके इंस्पेक्टर, आपके कहने पर इन्हें फिर से एक बार छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ये मोर्चे के साथ दिखे तो इनको अंदर डाल कर भर पेट प्रसाद खिलाऊंगा। ओके। चारों तरफ देखकर चलो, अब मोर्चा नहीं दिखना चाहिए। मोर्चा आया क्या? नहीं, चूहा था। ये लोग हैं कौन? जरूर कुछ गड़बड़ करने आए हैं। लगता है शहर में नए दिख रहे हैं। हो ना हो कुछ खुराफात करने की सोच रहे होंगे। मैं अभी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, बैकअप फोर्स जल्दी भेजो, यहाँ 5 टेररिस्ट जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जरूर कुछ बड़ा करने आए हैं। उनके हाथ में बैग्स हैं जिनमें बॉम्ब हो सकता है। बैकअप जल्दी भेजो। अरे अब हमने क्या किया? तुम लोग नहीं सुधरोगे। तुम लोग जरूर कुछ करने आए हो, नहीं तो बार बार तुम लोग ही क्यों पकड़े जाते हो, बताओ? इंस्पेक्टर साहब, हम क्या करें? आप लोग बार बार हमें ही पकड़ लेते हैं। तुम्हारी बातें मानने को तो दिल करता है लेकिन छोड़ने को दिल नहीं करता। दिमाग कहता है कि तुम लोगों को पकड़ कर रखूं, तुम लोगों को उल्टा लटकाऊं और पूछूं कि क्या करने आए हो। मैं गारंटी लेता हूँ इस बार, मेरी गारंटी पर इनको छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, हम पुरपुरी नगर चले जाएंगे। ठीक है, जाओ। अरे भागो यहाँ से, ये बहुत प्रॉब्लम वाली जगह है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भागो, भागो। अरे इस बार नहीं भागना है, नहीं भागना इस बार, बहुत हो गया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे क्या बकवास लगा रखी है, बार बार गला फाड़ रहे हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे कौन सी मांगे पूरी नहीं हुई तुम्हारी? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हमें लंच के बाद आराम करने का टाइम नहीं देते, रेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? सुबह सुबह हम काम पर आते हैं तो नाश्ता अच्छा नहीं मिलता है, नाश्ता अच्छा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? शाम के समय चाय के साथ बढ़िया स्नैक्स, समोसे, पकौड़े वगैरह मिलने चाहिए कि नहीं? बताइए बताइए, क्या गलत डिमांड की हमने? अरे इतनी महंगाई के जमाने में तुम्हें तनख्वाह मिल जाती है, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें चाय नाश्ता चाहिए? हाँ, तुम लोग अपने अपने घर में नौकर रखते हो? हाँ, बताओ रखते हो कि नहीं? रखते हैं। तो उससे इतनी सहूलियत देते हो तुम लोग, नौकर को देते हो? अरे किसी के घर में काम वाली बाई भी होगी, किसी के घर में माली भी होगा, किसी के घर में ड्राइवर भी होगा। आप बताओ तुम लोग कि उसे नाश्ते में क्या क्या देते हो, बताओ? खाने में क्या देते हो, लंच के बाद आराम करने का टाइम देते हो, समय देते हो, शाम को चाय के साथ कौन सा नाश्ता देते हो, बताओ बताओ? अरे वाह, आराम करने सोने के लिए आए हो यहाँ? हाँ, कभी पता भी किया है कि फैक्ट्री के मालिक का हाल क्या होता है? अरे इतनी महंगाई के टाइम में टाइम से तनख्वाह मिल रहा है वो कम है क्या? ये फालतू का डिमांड कर रहे हो तुम लोग? वो इंस्पेक्टर छुप के सुन रहा है। ये आदमी तो सही लग रहा है, बेकार में ही बेचारों को कूट दिया। नहीं नहीं, ये हम सबको भड़का रहा है, इसकी कोई बात नहीं सुनेगा। साथियों, इसकी बातों में मत आना, ये मालिक का आदमी लगता है।
अरे मैं कोई मालिक वालिक का आदमी नहीं हूँ, ये तुम्हारा लीडर तुम्हें बहका रहा है, मालिक को परेशान करने के लिए भड़का रहा है। अब तुम ही फैसला करो कि क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, हमने फैसला कर लिया है, मारो। हाँ मारो, मारो, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मैंने आप लोगों को बेकार ही परेशान किया, आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए चाय नाश्ता करते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बहुत भूख लगी है, आप लोगों की मार खा खा के थक चुका हूँ। अरे छोड़ो ना मोटू, चलते हैं चाय नाश्ता करते हैं। पूरी बना इंस्पेक्टर साहब, ये चाय नाश्ता पहले का प्रसाद जैसा तो नहीं हो गया।